फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर निकल कर आई है। इंडिया रेटिंग एजेंसी ने यस बैंक की सेहत के बारे में खुलासा जो किया है वो बहुत ही राहत भरा है। जो एक माहौल बनाया जा रहा था कि यस बैंक के अंदर सब कुछ खराब है, उसके उलट इंडिया रेटिंग एजेंसी ने अपनी रेटिंग दी है। उन्होंने पूरा भरोसा यस बैंक के कामकाज पर और उनके मैनेजमेंट पर जताया है और उनका कहना है कि यस बैंक बिल्कुल पटरी पे है और आने वाले समय में यस बैंक काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकती है। तो उसकी पूरी क्या रेटिंग है और उन्होंने क्या कहा है वो उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ में जो आज AGM हो रही है उसके बारे में अभी तक जो है टोटल डिटेल जानकारी बाहर निकल के नहीं आई है, शाम तक आज आ जाएगी, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जिस तरह से जो एजेंडा हमने पहले ही बता दिया उसी एजेंडे के आसपास बातें होंगी, वहीं से कोई निर्णय निकल के आएगा। लेकिन यस बैंक के लिए उसकी मजबूती के लिए कोई ठोस कदम जरूर उठाया जाएगा जो हमें आज शाम तक पता चल जाएगा। लेकिन जो इसके बीच में इंडिया रेटिंग की तरफ से जो एक बड़ी राहत दी गई है यस बैंक को, उसका फ़ायदा मिला है। स्टॉक में भी तेज़ी बनी है, बाज़ार में इतनी बड़ी तेज़ी नहीं थी, बैंकिंग सेक्टर में भी साधारण तेज़ी थी, उसके बावजूद भी यस बैंक स्टॉक में मजबूती देखने को मिली, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ। तो आगे क्या संभावना है उसको जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज यस बैंक का स्टॉक 10.95 पर ओपन हुआ, 11.15 की इसने हाई बनाई, 10.90 का लो था और अंत में 11.10 पर इसने क्लोजिंग दी है, यानी ऊपर की तरफ क्लोजिंग है जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। 1.37% अप पर क्लोजिंग दी है। और फ्रेंड्स, अगर BSE की बात करें तो 1,23,10,000 का वॉल्यूम हुआ और 63,61,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 51.68% है। तो शानदार 50% से ऊपर डिलीवरी बेस काम हो रहा है। NSE की बात करें तो 4,50,70,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,93,58,000 की डिलीवरी उठेगी और डिलीवरी का परसेंटेज 42.95% है। तो कल से अच्छी आज डिलीवरी बेस काम हुआ है, लोगों का भरोसा फिर से कायम होने लगा है। यहाँ पर बायर थे अंत में करीब 2,58,000, लेकिन वहाँ पर सेलर कोई नहीं था, यानी पोजिशन क्लियरली ये समझ में आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा लोग अब इसमें माल सेल करना बंद कर चुके। वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में आज नंबर 3 पे था, काफ़ी अच्छा इसका वॉल्यूम था और पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। अभी आज AGM जारी है लेकिन उसकी अभी तक जो भी है रिपोर्ट बाहर निकल के नहीं आई है कि आखिर क्या उसमें फाइनल फैसले हुए हैं और यस बैंक को आगे मजबूती से बढ़ाने के लिए क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, क्या सख्त निर्णय लिए जा रहे हैं या कुछ राहत देने वाले कदम उठाए जा रहे हैं, वो सारी संभावनाएँ हमें कुछ देर के बाद समझ में आ जाएगी जो सारी न्यूज़ निकल के आएगी। फिलहाल जो एजेंडा है वो उसी के इर्द गिर्द, बैंक की सेहत के इर्द गिर्द ही घूमेगा। शेयर होल्डरों को इसमें बड़ी कोई राहत की संभावना कम दिख रही है। जो फंड रेजिंग की बात करी है जो डेट इक्विटी के माध्यम से की जाएगी और जो संभावना है जो जानी जा रही है, जो बताई जा रही है, वैसा होने वाला नहीं है कि इसमें फिर से बायबैक किया जाए। फिलहाल बैंक को फंड की जरूरत है इसलिए वो फंड रेजिंग करने जा रही है, तो बायबैक की कोई संभावना बनती नहीं है और नए शेयर कोई इशू किए नहीं जाएंगे, बिल्कुल पहले भी क्लियरली कह दिया गया है यस बैंक की तरफ से। और बोनस की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। प्रशांत कुमार ने जरूर कहा कि हम बोनस देना चाहते हैं लेकिन अभी उसके लिए समय है, जैसे ही कुछ पॉजिटिव माहौल बनेगा तो जरूर डेफिनेटली आपको बोनस भी दिया जाएगा और इस समय तो उसके लिए हमें कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। फिलहाल यस बैंक की सेहत पटरी पे आ जाए और जिस तरह से आज इंडिया रेटिंग ने शानदार परफॉर्मेंस दिखा के उन्होंने जो भरोसा कायम किया है यस बैंक का, वही इसके लिए एक बोनस के बराबर है। तो यस बैंक के लिए इंडिया रेटिंग ने जो उसकी रेटिंग है उसको BBB स्टेबल कर दिया है, जो बहुत ही शानदार एक उन्होंने पॉजिटिव सिग्नल दिया है, ज़बरदस्त रेटिंग बढ़ाई है। उनका कहना है कि फिलहाल जो है यस बैंक बिल्कुल पटरी पे है और हम उसको BBB स्टेबल की आउटलुक देते हैं। तो उनके हिसाब से यस बैंक का कामकाज संतोषप्रद है और कंपनी अच्छे से काम कर रही है, यानी बैंक जो है बिल्कुल पटरी पे है। तो इंडिया रेटिंग ने लॉन्ग टर्म इश्योर रेटिंग को IND BBB कर दिया है और आउटलुक को स्टेबल कर दिया है। साथ में इंडिया रेटिंग आल्सो बैंक के जो Basel III Tier II बॉन्ड्स की रेटिंग है उसको भी IND BBB विथ स्टेबल आउटलुक दे दिया। तो इस तरह से उन्होंने भरोसा कहा है और इंडिया रेटिंग का कहना है कि यस बैंक ने जो अपनी अभी तक की जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो बहुत ही अच्छी है और बिल्कुल पटरी पे है। यस बैंक के डिपॉजिट में करीब 1.63 ट्रिलियन की बढ़ोतरी फाइनेंशियल ईयर 2021 में दिखाई दे रही है, जो बहुत ही अच्छी है। साथ में इंडिया रेटिंग एजेंसी का कहना है
कि उनके अकाउंट में करीब 50% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। साथ में उनके रिटेल टर्म डिपॉजिट में भी करीब 40% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो बहुत ही ज़्यादा संतोषप्रद बात है और इससे भरोसा कायम होता है। और उनका कहना है इंडिया रेटिंग का कि लगातार बहुत सारी फ्रेंचाइजीज के साथ में वो उनके जो बिजनेस टाइप हो रहे हैं, साथ में लगातार फंड रेजिंग अच्छे से कर पा रहे हैं वो, और जो उनके जो बिजनेस है उसको बहुत सारा उन्होंने मॉडिफाइड किया है और अच्छे से वो अपने एसेट को मेंटेन कर पा रहे हैं और लगातार अपने कारोबार को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके लिए उसका जो नज़रिया है, हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल रख रहे हैं, यानी हमें भरोसा है यस बैंक पे, इसके कारोबार पे और इसके मैनेजमेंट पे। तो एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप उठाया गया इंडिया रेटिंग की तरफ से, और उन लोगों के मुंह पे ताले लग गए जो लगातार अफवाह फैला रहे थे कि यस बैंक के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, यस बैंक एक मरी हुई बैंक है, जो ऐसी बातें की जा रही थी, ऐसी जो सारी संभावनाओं को खारिज कर दिया है इंडिया रेटिंग ने। उन्होंने बहुत ही अच्छी रेटिंग दी है और ये रेटिंग साबित करती है कि यस बैंक वाकई में अंदर से मजबूत हो रही है। साथ में जो इंडिया रेटिंग की तरफ से कहा गया है कि सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है यस बैंक के लिए वो है एसबीआई। इसके अंदर 26% के मिनिमम शेयर होल्डर है जो 2023 तक रहेंगे, क्योंकि जो रिकंस्ट्रक्शन जो प्लान बनाया गया था उसके तहत जो इनको होल्डिंग दी गई थी, यानी एक तरह से कमान सौंपी गई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, तो वो मेजर स्टेक होल्डर है यस बैंक के अंदर। और जब तक उनकी मजबूती है साथ में एसबीआई का जो साथ है, तब तक यस बैंक को कोई भी तकलीफ आने वाली नहीं है। और इसीलिए हमें भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि एसबीआई की मजबूत दावेदारी के साथ में 26% की जो हिस्सेदारी है वो 2023 तक रहेगी, और इसीलिए इसका आउटलुक हम मजबूती के साथ स्टेबल रख रहे हैं। और लगातार अच्छी खासी उनकी रिकवरीज भी हो रही है और इन्होंने जो रिजल्ट पेश किया वो भी शानदार है। तो सारी संभावनाओं के साथ में इंडिया रेटिंग ने ट्रिपल बी स्टेबल का जो आउटलुक दिया है वो अब एक पॉजिटिव सिग्नल है, और आने वाले समय में डेफिनेटली यहाँ से तेजी की संभावना बनेगी। एक बार हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कस करें तो वहाँ पर भी वही बातें सामने निकल के आ रही है। जून क्वार्टर में रिवेन्यू 1.84,000 करोड़ रुपीज़ की बढ़ोतरी दिखा रहा है, यानी 26.08% की बढ़त ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें देखने को मिल रही है। नेट इनकम 203.76 करोड़ रुपीज़ की रही है, तो उसमें 498.41% की बढ़त ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रही है। डायलूटेड ईपीएस 0.08 है, तो वहाँ पर 166.67% की बढ़त ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.05% है, तो 374.25% की बढ़त यहाँ पर भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रही है। तो ये जो फाइनेंशियल जो रिजल्ट सामने दिख रहा है ये बहुत ही शानदार है, उसी के दम पे लग रहा है कि यस बैंक आने वाले समय में कमाल करेगी। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इसके अर्निंग कॉल की बात करें तो क्वार्टर वन जो रिजल्ट इन्होंने पेश किया उसमें ईपीएस बीटन बाय 300% है लगभग, और क्वार्टर फोर में वहाँ पे ईपीएस मिस हुआ था इनका, वहाँ पे कुछ गिरावट देखने को मिली थी क्वार्टर फोर के रिजल्ट में करीब -2,920 की। लेकिन उसके पहले के दो रिजल्ट है वो भी शानदार थे, यानी क्वार्टर थ्री 2021 में ईपीएस बीटन बाय 166.67%, क्वार्टर टू 2021 में ईपीएस बीटन बाय 127.91%। तो चार क्वार्टर के अंदर मात्र जो मार्च का क्वार्टर था वही इसके लिए नुकसानदायक था, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारा प्रोविजन किया था अपने आने वाले बिजनेस को बचाने के लिए, क्योंकि कोविड की सेकेंड लहर शुरू हो गई थी और कहीं अपना कारोबार इफेक्ट न कर जाए और पैसों की तकलीफ न हो जाए, इसीलिए उन्होंने एक बड़ा प्रोविजन रखा था और उसके माध्यम की वजह से ही ये लॉस दिखाई दिया था और यहाँ से गिरावट का माहौल बना था। लेकिन इस बार शानदार रिजल्ट दिया था, उसके बावजूद भी जो क्रिटिसाइज करते हैं उन्होंने इस पूरे रिजल्ट के अंदर से भी बहुत सारे नुक्स बाहर निकाले और रिजल्ट को ख़राब बताना शुरू कर दिया, और इस वजह से यहाँ पे भी निगेटिव माहौल बना था। लेकिन अब जिस तरह से इंडिया रेटिंग की जो है रेटिंग आई है ट्रिपल बी स्टेबल, उसके बाद में यहाँ से पॉजिटिव माहौल डेफिनेटली बनेगा, तो आगे और संभावना हम देखेंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।